ये एंट्री हो गई हमारी धापला की तरफ। अच्छा यहाँ पे ये बताओ आप, जानवर कौन कौन से आते हैं? जानवर सब आते हैं, शेर, बाघ, हाथी आए थे बीच में, हाथी आए थे। हाथी यहाँ ऊपर तक आया था पूरा? यहाँ तक आए थे। अच्छा भाई लोगों, बहुत मेहनत बनती है यार ये वीडियो बनाने में। लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिन भाई लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख रहे हो पता नहीं कहाँ कहाँ फ्रेम सेट करके कितनी बार बाइक वापस मोड़ के और बार बार शॉट लेने पड़ते हैं, तो मेहनत लगती है, प्लीज़ मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। तो जी निकल गए हैं आज हम एक नए ऑफ रोड ट्रैक पे, और ऑफ रोड ट्रैक जो है वो है आपके कालाडुंगी से राइट हैंड साइड पे अंदर को जाता है और नाम है उसका धापला विलेज। और मेरे साथ जा रहे हैं नितिश और क्षितिज। चलो जी दिखाते हैं आपको एक नया प्यारा सा छोटा सा गांव, और वो जो धापला विलेज जो है वो है लास्ट विलेज। तो डलवाते हैं पहले पेट्रोल। हम लोग तो खा पी के निकल गए, अब हमारी बाइक को भी तो कुछ खाना है ना, तो इसका पेट भर देते हैं पहले। बे फुल कर देना। तो हो गया है अपनी गड्डी का टैंक फुल, भर गया है हमारी भी धन्नों का पेट पूरा। अब निकलेंगे आगे। तो जी अभी चलते हैं हम सीधे पहले कालाडुंगी, और कालाडुंगी तक रास्ता आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम रूट कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं, इसलिए मैं कालाडुंगी से आपको गाइड करूंगा कि हम किधर की तरफ जा रहे हैं और किधर है धापला विलेज, और वहां से दिखाऊंगा ऑफ रोड। तो चलिए कालाडुंगी पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। तो कालाडुंगी में आके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, उससे हमने राइट टर्न लेना है। और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से राइट टर्न लेके आपने जाना है सीधे। ये बिल्कुल बीच से होते हुए कालाडुंगी के रोड जाती है, कॉलोनी से होते हुए सीधे निकलेगी पहले फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ हमें जंगल रिवर दोनों क्रॉस करके आगे पहुँचना है धापला के लिए, और यहाँ से लेना है राइट टर्न। और ये एंट्री हो गई हमारी धापला की तरफ। तो ये है देखिए रास्ता धापला विलेज का, ये बढ़िया रास्ता, बढ़िया ऑफ रोड। देख ही रहे होंगे आप ट्रैक कैसा है, मज़ेदार, बिल्कुल फुल ऑन ऑफ रोड, ऐसे ही ऑफ रोड है पूरा धापला तक। अभी आगे एक रिवर भी पड़ेगी, वो भी क्रॉस करनी है हमने। वो डिपेंड ये करता है कि पानी कितना आ रहा होगा उसमें। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, मजा ही अलग है यार ऑफ रोड का, वो भी हिमालयन से करने में। बस ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग आए तो
कुछ लोग साथ में ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है हाथी का और टाइगर का, क्योंकि कॉर्बेट से लगता हुआ है, तो यहाँ पे टाइगर और हाथी बहुत है। रोड देख रहे हैं आप, रोड तो बहुत ही शानदार है, मतलब ऑफ रोड, और इसी के लिए आए हैं हम ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो ये देखिए, ये है पूरी रिवर, और जब यहाँ पे पानी तेज आता है तो गांव यहाँ से कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे मतलब गांव वाले जो है कनेक्शन उनका बिल्कुल टूट जाता है, और देख रहे होंगे पूरा रिवर एरिया है ये। देखिए यहाँ से अब रिवर भी स्टार्ट हो गई है, अब बगल में रिवर चलती रहेगी और इधर हम चलते रहेंगे। ये देखिए कैसा गजब का ऑफ रोड है। कई बार बाइक स्लिप हो गई, गिरी नहीं, वो तो कंट्रोल हो गई थी, बट हाँ यहाँ पे क्योंकि ये बजरी पड़ी है ना, और बजरी में स्लिप होती होती है बाइक। तो गाइज ये रिवर क्रॉस करके हमने जाना है उस रास्ते में धापला विलेज के लिए। तो ये रिवर क्रॉस करेंगे अभी हम तीनों, मैं, क्षितिज और नितेश। तो पहले करेगा हमारा भाई नितेश। तो गाइज आपने देखा कैसे रिवर पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी यहाँ से हमें वो पूरा वहाँ से स्ट्रेच करते हुए आगे जाना है ऊपर ऐसी, और हम तीन राइडर्स, मैं, क्षितिज और नितेश, हिमालयन, दो हिमालयन और एक KTM 390। और एक चीज़ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नंबर देखिए आप, 777-3, 888-3 और 999-3। तो ये सीरीज़ पूरी बुक कराई है। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं हम धापला गांव की तरफ, और ये है नज़ारा एक पूरा, आपको यहाँ से दिखाता हूँ 360 व्यू। ये देखिए, ये पूरी रिवर का एरिया है ये। और अभी हमने ये यहीं से कच्चे ऑफ रोड से पूरा करते 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 वहाँ कहीं से ऊपर को चढ़ना है गांव के लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम धापला गांव। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, अब आपको मिलेंगे सीधे हम धापला गांव। भाई लोगों, बहुत मेहनत बनती है यार ये वीडियो बनाने में, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिन भाई लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख रहे हो पता नहीं कहाँ कहाँ फ्रेम सेट करके, कितनी बार बाइक वापस मोड़ के, और बार बार शॉट लेने पड़ते हैं, तो मेहनत लगती है, प्लीज़ मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। ये जा रहा है रैंप के बाद ऊपर को रास्ता थोड़ा चढ़ाई पे, ये धापला विलेज के लिए बनाया गया है रास्ता, इंटीरियर विलेज है पूरा, कुल मिला के अच्छी जगह है जी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। दो रास्ते आ रहे हैं यहाँ से, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, और हमें नहीं पता है कि धापला विलेज कहाँ है। कहाँ चले बताओ? ये हाइट में जा रहा है तो हम जा रहे हैं ये वाले रास्ते पे, क्योंकि नितेश ने बोला है वो इंजीनियर है ना, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन लगा के बताया कि यहाँ है, और अगर नहीं हुआ यहाँ पे रास्ता तो फिर भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वापसी आएंगे फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे, जाएंगे ज़रूर मगर। अरे तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है यही रास्ता है या नहीं है। भैया धापला विलेज कौन का रास्ता? धापला विलेज का रास्ता, धापला का रास्ता यही है, यही है, आगे है ना गाँव? ना आगे से,
स्कूल पे यहाँ से वो वहाँ से तुम छोड़ के आगे नहीं रोड उधर वाली छोड़ के आगे यहाँ से बोर्ड पकड़ना। अच्छा वो तो उधर को भेज देंगे हम। तो वहाँ से इधर रोड पकड़ ली हमने। ठीक धन्यवाद। यहाँ जाना है वो ऊपर चले गया। इधर गया वो। चलो लेके आते हैं उसे। टमाटर और बाकी साग सब्जी सभी होती है। सब उगती है। सब बिल्कुल मतलब ताजी ताजी यहीं उगा के यहीं खाते हो हैं। अच्छा यहाँ पे ये बताओ आप जानवर कौन कौन से आते हैं? जानवर सब आते हैं। शेर बाघ हाथी आए थे बीच में। हाथी आए थे। हाथी यहाँ ऊपर तक आ जाता पूरा यहाँ तक आए थे। अच्छा यही पढ़ते हो स्कूल में? उसका हैंडल लो। अरे वाह यार ये देखो ये साइकिल का हैंडल देखिए। भाई का हैंडल टूट गया था और भाई ने कितना बढ़िया कराया। तो सुनो ये तुमने खुद लगाया है? हैं? तो देख रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में भाई ने इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और टायर देखो ये बढ़िया भाई बहुत बढ़िया यार बहुत अच्छा दिमाग लगाया तूने। तो हमारे साथ एक विलेज के ही है भैया। ये हमें लेके जा रहे हैं विलेज तक और वहाँ पे दिखाएंगे कि विलेज में क्या क्या है। और बहुत खुशी की बात यह है कि इतने इंटीरियर में भी स्कूल है। सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन। और एजुकेशन अगर यहाँ पे बच्चों को मिल लिया ऐसी जगह पे जहाँ से पूरा 3 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता है तो वो आप देखिए कि कितनी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ तो देखिए सीसी रोड टाइप की भी डाल रखी है उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने। अच्छा ये गांव स्टार्ट हो गया है। देखिए ये चक्की मिल है। यहाँ पे लोगों के घर स्टार्ट हो गए हैं खेत स्टार्ट हो गए हैं। अच्छी चीज़ है ये। पहुँच गए हम गांव के टॉप पे। ये है स्कूल। ये देखिए ये स्कूल है। और भैया कितना इंटर कॉलेज है ने हैं? ये इंटर कॉलेज है और यहाँ पे मंदिर है। और भैया यहाँ कितने स्टूडेंट्स होंगे? 40-45 बच्चे। 40-45 बच्चे होंगे मतलब सारी क्लास के मिला के। तो देखिए खाली 40-45 बच्चे हैं यहाँ पे और स्कूल खुला हुआ है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ टीचर्स वगैरह आके अपना रामनगर से आते हैं टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को। और बढ़िया देख रहे हैं आप ये प्ले ग्राउंड भी है पूरा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतने मतलब छोटे से गांव में भी स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है अपने ही गांव में यहाँ पढ़ ले रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अप्रिशिएबल है ये। भैया ने हमें दिखाया ये इंटर कॉलेज वगैरह। और ये है छोटा सा गांव धापला गांव। और यहाँ पे सोर्स भी है। यहाँ इनकम का क्या है? खाली खेती वगैरह है ना। यहाँ का इनकम का सोर्स जो है वो सिर्फ फार्मिंग से है। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जो कमाते हैं वो फार्मिंग से कमाते हैं। बाकी कुछ लोग जॉब करने रामनगर या इधर उधर जाते हैं। बहुत कम लोग रह रहे जॉब हो में भी वरना यही तरी तरी। अच्छा बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे होके यहीं से फार्मिंग कर रहे हैं और यहीं को अपने गांव की ही तरक्की चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये थी राइड हमारी धापला गाँव की। मेन हम यहाँ पर ऑफ रोड करने आए थे मगर मन था एक बार ये विलेज देखने का प्यारा सा विलेज देखने का। तो हम यहाँ विलेज तक आ गए। वैसे हम आए थे सिर्फ ऑफ रोडिंग करने। और यहाँ पे हमें अच्छी बातें भैया मिल गए जिन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दी हैं गाँव के बारे में। काफ़ी कुछ बताया है। और चलिए अब मिलते हैं आपसे। दुकान हम चाउमीन खाने जा रहे हैं। नितिश को चाउमीन खानी है। इसको चाउमीन की दुकान दिख गई वहाँ पे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर किसी दूसरी जगह पे नई जगह पे दिखाते हैं आपको। अभी हम यहाँ से कहेंगे आपसे अलविदा। तो बाय बाय टेक केयर। मिलते हैं आपसे एक नई जगह पे नए व्लॉग के साथ।